गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू टू लेक्चर ऑफ वैक्यूम डिस्टिलेशन आज के इस लेक्चर में बेसिकली हम ये बात करेंगे कि वैक्यूम क्या होता है देन वैक्यूम डिस्टिलेशन क्या होता है इसकी क्या जरूरत पड़ती है और इसका जो बेसिक सेटअप होता है वो किस तरीके का रहता है इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं एंड वेरियस अदर थिंग्स बिफोर स्टार्टिंग टू डेज लेक्चर अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स से, से शेयर कीजिए मेरा ये जो लेक्चर है उसके पी का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा जिसको भी ये डाउनलोड करना है वो वहाँ पर जाके इसलिए डाउनलोड कर सकता है स्टार्टिंग विथ टू लेक्चर वैक्यूम डिस्टिलेशन तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि वैक्यूम होता क्या है तो याद रखिए फ्रेंड्स कि हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट करता है जो आपका वन के का होता है दैट मीन्स उसकी वैल्यू होती है इस है सेवन सिक्सटी एम एम तो याद रखिएगा एटमोस्फेरिक प्रेशर से नीचे का कोई भी प्रेशर वो बेसिकली हमारा वैक्यूम होता है मान लीजिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर 760 सिक्सटी एम एम है तो उसके नीचे का जो भी प्रेशर है इसमें भी सेवन फिफ्टी ये जो भी वैल्यूज़ हैं ये हर एक वैल्यू वैक्यूम को डिनोट करती है और अगर आप पूरे के पूरे एटमोसफेरिक प्रेशर को ज़ीरो कर दोगे तो वो आपका फुल वैक्यूम होता है नाउ वाई वैक्यूम कि वैक्यूम की एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती क्यों है तो याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जो भी आपके कंपोनेंट्स रहते हैं जिन्हें आप बॉयल करते हैं डिस्टिलेशन में उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो डायरेक्टली प्रेशर के प्रपोर्शनल होता है सो so, जैसे जैसे आप वैक्यूम लगा के प्रेशर को कम करते हैं वैसे ही आपका बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज करता है और अगर आप प्रेशर बढ़ाते हैं तो आपका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है सो so, याद रखिएगा ये जो आपके लिक्विड्स होते हैं इनकी ये जो प्रॉपर्टी होती है कि बॉइलिंग पॉइंट इज़ डायरेक्टली प्रेसर टू इज डायरेक्टली प्रपोशनल टू प्रेसर इसी का हम एडवांटेज उठाते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम जैसे ही हमने वैक्यूम लगाया तो हमारा बॉइलिंग पॉइंट जो है किसी भी कंपोनेंट का वो डिक्रीज़ कर जाता है इसलिए हम वैक्यूम का यूज़ करते हैं नेक्स्ट सवाल आपके मन में ये आता होगा कि हाउ टू क्रिएट वैक्यूम कि एक्चुअली इन सेटअप्स में वैक्यूम क्रिएट कैसे किया जाता है तो याद रखिएगा वैक्यूम क्रिएट करने के लिए आइदर हम इजेक्टर्स का यूज़ करते हैं दैट इजेक्टर्स कैन बी स्टीम जेट इजेक्टर्स और वाटर जेट इजेक्टर्स अदरवाइज़ वैक्यूम पम्प्स का भी हम यूज़ करते हैं वैक्यूम क्रिएट करने के लिए इनके बारे में डिटेल में मेरे प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने बताया है तो जिसको भी डिटेल में इंफॉर्मेशन चाहिए हो ये वो ये उन लेक्चर्स को इजिली जाके देख सकता है सो so, अब हम बात करते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन होता क्या है सो so, जैसा कि नॉर्मल डिस्टिलेशन सेटअप्स के बारे में मैंने मैंने आपको बताया वैक्यूम डिस्टिलेशन ये सेम प्रोसीजर होता है जिसमें दो कंपोनेंट्स को हम एक दूसरे से सेपरेट आउट करते हैं वाया विद द हेल्प ऑफ देयर बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंसेस लेकिन इसमें हम बेनिफिट ये उठाते हैं कि जब हम वैक्यूम लगाते हैं तो हमारे कम्पोनेंट्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बेसिकली डिक्रीज कर जाता है लार्ज स्केल में वैक्यूम डिस्टिलेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रेफर किया जाता है बिकॉज़ काफ़ी ऐसे कंपोनेंट्स रहते हैं जो काफ़ी हाई बॉइलिंग होते हैं जिनको हमें डिस्टिलेशन करने के लिए वैक्यूम की काफ़ी ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है तो इंडस्ट्रीज़ में वैक्यूम डिस्टिलेशन इज़ अ हाई डिमांड अगर हम बात करते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन की जनरल सेटअप की तो याद रखिए इसमें ये लाइन हो गई ये बॉटम में आपका रिबॉलर हो गया ये बॉटम से आप प्रोडक्ट निकाल रहे हैं ये आपका डिस्टिलेशन टावर के अंदर की पैकिंग्स हो गई आफ्टर दैट ये आपकी वेपर लाइन गई देन ये आपका रिफ्लक्स आया यहाँ से आपने डिस्टलेट निकाला और ये कंडेंसर के थ्रू आपने अपने सिस्टम को इजेक्टर या फिर वैक्यूम पम्प से कनेक्ट कर दिया सो so, जिसका काम बेसिकली रहता है कि आपके सिस्टम में वैक्यूम प्रोवाइड करना अब हम बात करते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन के मेजर पार्ट्स जैसा कि मैंने आपको पहले बताया फीड लाइन ये वो लाइन रहती है जिससे आपके डिस्टिलेशन टावर के अंदर फीड एंटर करता है सेकेंड आपका रिबॉलर इसमें बेसिकली आपका जो बॉटम साइड में जो भी डिस्टिलेशन टावर के अंदर मटेरियल है उसको हीटअप करने के लिए स्टीम दी जाती है ये जो नीचे से कलेक्शन है जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो बॉटम से कलेक्ट करते हैं टॉप में ये आपका रिफ्लक्स है ये आपका बेसिकली जैसा मैं पहले बता चुका हूँ रिफ्लक्स लाइन इसलिए दिया जाता है कि जैसे जैसे आप रिफ्लक्स जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आपके डिस्टिलेशन टावर में आपको प्योरिटी मिलती है ये डिस्टिलेट कलेक्शन लाइन हो गई ये आपका वेपर लाइन हो गया इसके बाद में अंदर पैकिंग्स होती हैं और ट्रेज होती हैं एंड फाइनली इंजेक्टर्स और वैक्यूम पम्प्स होते हैं जिनका बेसिकली काम रहता है कि आपके सेटअप में ये पूरा का पूरा वैक्यूम प्रोवाइड करता है डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट कि आपको कितना वैक्यूम चाहिए जैसा कि एक एक, एक कंपोनेंट का कितना बॉइलिंग पॉइंट है उसके हिसाब से यहाँ पे वैक्यूम्स प्रोवाइड किए जाते हैं अब हम बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की कि किसी भी कंपोनेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो वैक्यूम के साथ में किस तरीके से रिस्पॉन्ड करता है वो आपको कैसे पता चलेगा तो याद रखिएगा कि इसके लिए एक इक्वेशन दी गई है वो होती है आपकी बेसिकली एंटोनी इक्वेशन एंटोनी इक्वेशन ये आपका एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो आपका वेपर प्रेशर और टेम्परेचर किसी भी प्योर सब्सटेंस के बीच में रिलेशनशिप बताता है अगर हम बात करते हैं एंटोनी क्वेशन की तो ये क्वेश्चन होती है लॉग ऑफ पी इज इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन सी प्लस टी जहाँ पर पी होता है आपका वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस टी होता है टेम्परेचर ऑफ दैट सब्सटेंस एंड ए बी एंड सी दे आर द सब्सटेंस स्पेसिफिक कोएफिशिएंट्स ये जो सब्सटेंस स्पेसिफिक कोएफिशिएंट्स होते हैं ए बी और सी इनके बारे में आपको डिटेल में गूगल पे हर एक कंपोनेंट की इजली वैल्यूज़ आपको मिल सकती हैं सो so, याद रखिएगा अगर आपको किसी भी कंपोनेंट का मान लीजिए मेरे को आपका इथेनॉल है इथेनॉल का मेरे को बॉइलिंग पॉइंट पता करना है कि वो आपका वैक्यूम में कितना होगा अब मान लीजिए वैक्यूम की वैल्यू की वैल्यू है मेरी माइनस आपका माइनस फिफ्टी एम तो यहाँ पर आप प्रेशर की जगह प्रेशर रखेंगे ए की जगह ए बी और सी ये जो स्पेसिफिक कांस्टेंट्स हैं इनकी वैल्यू आप इजली गूगल से पिकअप कर सकते हैं और इस इक्वेशन से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपको टी टेम्परेचर की वैल्यू पता करके दे देगा कि इतने वैक्यूम पे आपका किस टेम्परेचर पे आपका जो कंपोनेंट है वो बॉयल करेगा याद रखिएगा किसी भी कंपोनेंट का बॉयलिंग पॉइंट आपको पता करना हो तो दिस ये जो इक्वेशन है ये सबसे इजी और बेस्ट इक्वेशन होती है नाउ अब हम बात करते हैं कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का बेसिकली एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं तो याद रखिएगा कि वैक्यूम डिस्टिलेशन का सबसे पहला एडवांटेज ये रहता है कि इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम होती है वो काफ़ी कम होता है सेकेंड जैसा कि आपको पता है कि किसी भी कंपोनेंट का जो हाई बॉयलर है आप वैक्यूम लगा के उसके बॉयलिंग पॉइंट को डिक्रीज करते हैं तो सेकेंड बेनिफिट इज़ दैट इट इज़ यूटिलिटी सेविंग अब्लिक हाई एनर्जी सेविंग थर्ड वन इज़ एलिमिनेशन ऑफ चांसेस ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन कुछ ऐसे मटेरियल्स रहते हैं जिनको आप हाई टेम्परेचर्स पे बॉयल करते हैं तो वो थर्मली डिकम्पोज हो जाते हैं सो so, वैक्यूम लगाने से आपको एक बेनिफिट ये भी मिलता है कि आपने उसका पर्टिकुलर कंपोनेंट का बॉयलिंग पॉइंट डिक्रीज कर दिया तो उसके थर्मली डिकम्पोज होने के चांसेज जो होते हैं वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाते हैं फोर्थ वन इज़ एलिमिनेशन ऑफ चांसेज ऑफ हाई बॉयलर फॉर्मेशंस कुछ कंपोनेंट्स को जब आप हाई टेम्परेचर्स पे बॉयल करते हैं तो उनमें हाई बॉलर्स फॉर्म होने लगते हैं सो so, वैक्यूम लगाने से ये जो चांस होता है हाई बॉलर फॉर्म होने का ये भी चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल हो जाता है सो so, आज के लेक्चर में हमने बेसिकली ये देखा कि वैक्यूम लगाने के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं एंड डिस्लिसन टावर के मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सो दैट्स ऑल फॉर टू डेज लेक्चर होप आपको आज का मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा सो नेक्स्ट लेक्चर में बेसिकली हम बात करेंगे एटमोसफेयरिक डिस्टिलेशन के बारे में सो टिल देन गुड बाय हैव अ नाइस डे